सब्सक्राइब कीजिए हमारे ई कॉमर्स आइडियाज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे नए वीडियोज़ का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक, वेलकम टू आवर चैनल ई कॉमर्स आइडियाज पे। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको लाइमरोड पर कैसे ऑर्डर का प्रोसेस करना है। तो चलिए पूरा प्रोसेस को मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो पूरा जानने के लिए वीडियो का अंत तक जरूर देखें। तो लाइमरोड पे ऑर्डर प्रोसेस करने का जो प्रोसेस है और अलग जो मार्केट प्लेस है, अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो, थोड़ा जो प्रोसेस है वो अलग है। तो चलिए मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कैसे ऑर्डर को प्रोसेस करना होता है लाइमरोड पे। तो लाइमरोड पे आपको ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए पहले आपको लाइमरोड के पोर्टल पे लॉगिन करना है और ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए आपको vendor.trunkroad.com पे लॉगिन करना है। लाइमरोड का दो पोर्टल है, मैंने पहले बताया है, दो पोर्टल को यूज़ करके आपको ऑर्डर को प्रोसेस करना होता है। तो ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए पहले vendor.trunkroad.com पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर पे जब जाएंगे तो आपको जो ऑर्डर्स है वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो अगर यहाँ पे सिर्फ एक ऑर्डर्स है तो यहाँ पे चेकबॉक्स पे मेरे को एक पे ही क्लिक करना है। अगर आपका जो बहुत सारे ऑर्डर्स है तो आप जिस ऑर्डर्स को डिस्पैच करना चाहते हैं जल्दी, तो उसको पहले आपको सिलेक्ट करना होता है। तो मैं दिखाता हूँ कैसे ऑर्डर को प्रोसेस करना होता है। तो देखिए, जब यहाँ पे आप चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये वेट एंड डायमेंशन यहाँ पे देना होगा। तो डायमेंशन जो यहाँ पे है वो पहले से मैंने दे रखा हूँ वहाँ पे, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई देता है, उसको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, डायमेंशन बॉक्स को सिलेक्ट करना होता है। एंड वेट मैक्सिमम इन केजेस, मैक्सिमम 25 केजेस। तो प्रोडक्ट का जब आपका वेट है तो मैं 300 ग्राम के करीब मेरा प्रोडक्ट का वेट है, तो 0.30 मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, आपको केजेस के हिसाब से आपको यहाँ पे डालना है। तो 300 ग्राम के करीब मेरा ऑर्डर इसका वेट है। तो डालने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म ऑर्डर पैक्ड पे क्लिक करना है। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कंफर्म ऑर्डर पैक। तो देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है। होने के बाद ये ऑर्डर कंफर्म ऑर्डर समरी प्रोसेस टू इनवॉइस जनरेशन वन ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो ऑर्डर है वो प्रोसेस हो गया है। उसके बाद इनवॉइस ऑर्डर पे जाना है। इनवॉइस ऑर्डर पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे उस प्रोडक्ट का जो इनवॉइस है, यहाँ पे ये प्रिंट इनवॉइस और PDF, आपको यहाँ पे इनवॉइस आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड इनवॉइस ऑर्डर विद AWB नंबर, ये भी आपको डाउनलोड करना है। क्योंकि एक इनवॉइस आपको प्रोडक्ट के अंदर देना है कस्टमर को, और एक इनवॉइस और AWB आपको जो ट्रैकिंग ID है वो भी आपको डाउनलोड करके लेना है। डाउनलोड इनवॉइस एंड विद AWB नंबर को आपको मैं डाउनलोड करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ऑर्डर एक्सेसरी डाउनलोड हो जाएगा और प्रिंट इनवॉइस पे भी मैं एक बार क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे AWB नंबर आपको भी मिल गया है और टैक्स इनवॉइस भी यहाँ पे मिल गया है। तो ये दोनों का आपको डाउनलोड कर लेना है ताकि आपको आप कुरियर वालों को भी दे सके और कस्टमर को भी आप दे सके। उसको मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ यहाँ से। तो वो सेव हो गया है, डाउनलोड हो गया है आपका PDF, जो AWB नंबर है और उसका जो आपका कुरियर स्लिप है वो डाउनलोड हो गया है। फिर से आपको वहाँ पे जाना है और डाउनलोड करना है मैनिफेस्ट, जो कुरियर वालों को देना है मैनिफेस्ट। तो उसके लिए आपको पहले सेलर का न्यू पोर्टल पे, सेलर पोर्टल न्यू पे जाना है। लाइमरोड का जो न्यू पोर्टल है वहाँ पे आपको जाना है, वो है seller.trunkroad.com, वहाँ पे भी आपको लॉगिन करना है। या तो फिर आप डायरेक्ट वहाँ पे आपका जो vendor.trunkroad जो एक ऑप्शन है वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ कहाँ से, आप डायरेक्टली सेलर पोर्टल न्यू पे क्लिक करेंगे तो सीधे आपको उस पोर्टल पे आप नए पोर्टल पे आप चले जाएंगे। तो यहाँ से आपको डाउनलोड करना है वो जो मैनिफेस्ट। तो लाइमरोड पे यहाँ पे जो लेफ्ट साइड का 3 लाइन से यहाँ पे क्लिक करना है और आपको वो यहाँ पे ऑर्डर प्रोसेसिंग पे जाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वो आ गया है वो मैनिफेस्ट डाउनलोड करने के लिए, और यहाँ पर भी यहाँ से भी आप इनवॉइस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको मैनिफेस्ट डाउनलोड करने के लिए यहाँ से जनरेट मैनिफेस्ट पे क्लिक करना है और इस ऑर्डर का मैनिफेस्ट आपको चाहिए और इसलिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए राइट साइड में एक डाउनलोड ऑप्शन दिखाई देगा आपको, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो उसका जो मैनिफेस्ट है वो आपको मिल जाएगा, जो कुरियर वालों को देना होता है।
ये है मैनिफेस्ट जो है ये आपको प्रिंट आउट करना है, और तब मतलब आपका जो कुरियर स्लिप है वो भी आपको मिल गया है और मैनिफेस्ट दोनों भी आपको मिल जाएगा। तो ये कुरियर वाले को देना है और वो जो लेबल है उसको चिपकाना है आपको बॉक्स या पैक के ऊपर और कुरियर बॉय तक आपको देना है। तो आइए इस वीडियो से आपको लाइन रोड पे ऑर्डर को कैसे प्रोसेस करना होगा इसके बारे में पूरा आपको आइडिया क्लियर हो गया है। अगर आपके वीडियो के ऊपर कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में अभी भी नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारे चैनल का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमारे चैनल को सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर भी आपको नए वीडियोज का अपडेट मिलता रहेगा। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।